गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर और बीएससी के अंदर भी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। यानी कि आप प्रोबेबिलिटी के बारे में, आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप पहले भी ऑलरेडी बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं इंट्रो ही दूंगी। अगर आपने, आपको प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको इंट्रो भी दूंगी। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन का पार्ट वन है। इसके अंदर हम पहले मैं बताऊंगी आपको कि सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सेकंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड नॉर्मल पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर मेन कंसर्न क्या है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, हमें मीन वेरिएंस और कैसे हम इन डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व, इनकी कर्व्स की फिटिंग को हमें अच्छे से स्टडी करना है। यानी कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीन वेरिएंस और उनके कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन डिस्ट्रीब्यूशंस को भी पढ़ने से पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ लें तो इस चैप्टर को स्टडी करना हमारे लिए और भी आसान बन जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो देखेंगे। अगर आपको आती भी है तब भी एक बार आप वीडियो देख लीजिए, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी ताकि आपको आगे के चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। यानी कि प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के हेल्प से हम पता लगाते हैं कि किसी भी इवेंट के होने में अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी का क्या मेज़र है। यानी कि अगर देखिए मैंने कोई डाइस थ्रो किया, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः चांसेस हैं। ठीक है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालनी है तो 1/6 ही तो आएगी ना, सिमिलरली 2 की 1/6, 3 की भी 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। अब देखिए रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की अब हम डेफिनेशन देखेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम ऑफ ईच एंड ईच ट्रायल इज नॉट यूनिक बट मे बी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम व्हेन परफॉर्म्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट हैं जिनके अंदर अगर देखिए मैंने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद मुझे ये तो पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा अगर वो फेयर कॉइन है तो। ठीक है, अब देखिए मुझे इतना तो पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन मैं कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकती कि हेड ही आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिनके अंदर आउटकम यूनिक नहीं आता बट हमारे पास जितने टोटल आउटकम हैं, यानी कि जितने पॉसिबल आउटकम हैं उन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, बट नॉट यूनिक। अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, यानी कि ऐसा ना हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास टोटल आउटकम में ओनली वन हो, यानी कि वन से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। प्रेडिक्शन ऑफ द आउटकम इन एडवांस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हम किसी भी इवेंट के होने से पहले ये नहीं पता लगा पाए कि हम उसे प्रेडिक्ट ना कर पाए कि आउटकम क्या होने वाला है, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट।
अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है देखिए, सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस। सैम्पल स्पेस वो सेट है जिसके अंदर हम सारे पॉसिबल आउटकम को रखते हैं। जैसे कि अगर मैंने दो बार कॉइन थ्रो किया तो मेरे पास हेड टेल, देखिए एक साइड हेड और एक साइड टेल, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, HH, HT, TH और TT। तो उन्हें अगर हम ब्रैकेट के अंदर मतलब सबको कंबाइन करके लिखें तो उसे हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, और इसको हम देखिए, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, एस। अब हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं, और नेक्स्ट डेफिनेशन से भी पहले हम दो रिमार्क देखते हैं, दो नोट देखते हैं। देखिए अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे कि मैंने दो यहाँ पर आपको जब कॉइन थ्रो किए तब का एग्जांपल लिया, HH, HT, TH एंड TT, ठीक है। मान लीजिए मैं एक कॉइन और एक डाइस थ्रो कर रही हूँ, एक डाई और एक कॉइन। अब डाइस के अंदर देखिए क्या है, 6 आउटकम हो सकते हैं और कॉइन के अंदर 2, यानी कि टोटल आउटकम निकालने के लिए हमें दोनों के पॉसिबल आउटकम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैं एक डाइस और एक कॉइन थ्रो करती हूँ तो मेरे पास 12 आउटकम आएंगे पॉसिबल आउटकम। ऐसे ही वो कह रहे हैं अगर एक के अंदर m आउटकम है और सेकंड के अंदर n आउटकम, तो टोटल जो हमारे पास सैम्पल स्पेस ऑफ टू एक्सपेरिमेंट टुगेदर, अगर हम उन दोनों का साथ निकालें तो m इंटू n आउटकम आएंगे। जैसे उसमें 6 × 2 12 आउटकम आए थे टोटल, अगर एक डाइस और एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकालते हैं टोटल आउटकम को, और सैम्पल स्पेस के हर पॉइंट को हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। यानी कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट हम निकाल लें सैम्पल स्पेस का, यानी कि अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया तो 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो मान लीजिए मैंने कहा ये 4 क्या है, 4 है सैम्पल पॉइंट, 6 क्या है, 6 भी क्या है, सैम्पल पॉइंट, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन इवेंट। इवेंट या केसेस क्या होती हैं, देखिए, ईच सबसेट ऑफ अ सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड इवेंट। यानी कि सैम्पल पॉइंट का जो भी हमारे पास सबसेट, सॉरी यहाँ पर स्पेस आना चाहिए, ईच सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, मान लीजिए मैंने सैम्पल स्पेस मेरे पास 1 to 6 है जब हम डाइस थ्रो करते हैं, तो मान लीजिए मैंने एक ई सेट लिया जिसके अंदर 1, 2, 3 है, तो उसे मैं क्या कहूँगी, इवेंट। यानी कि एक केस में मान लीजिए मेरे पास 1, 2, 3 आए, मैंने लिया नंबर लेस देन 4, तो 1, 2, 3 ही आएगा, तो 1, 2, 3 क्या है, इवेंट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा सैम्पल स्पेस क्या है, HH, HT, TH, TT, जब हम दो कॉइन को थ्रो करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने वो इवेंट ले रही हूँ, मैं इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग हेड ऑन फर्स्ट थ्रो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HH और HT, तो ये क्या है, ई इज सबसेट ऑफ S, ठीक है। तो मैं इसे क्या कहूँगी कि ई हमारे पास इवेंट है, ठीक है। अब देखिए इवेंट भी काफ़ी टाइप्स के होंगे, तो हमारे पास इवेंट के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है नल इवेंट। देखिए नाम से ही पता लग रहा है नल इवेंट क्या है, एन इवेंट हैविंग नो सैम्पल पॉइंट। नल सेट हमने +1 क्लास में सेट्स के अंदर भी पढ़ रखा है, नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो नल इवेंट, ऐसे इवेंट, द इवेंट हैविंग नो सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड नल इवेंट, इट इज डिनोटेड बाय 5, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। मान लीजिए एक डाइस को थ्रो किया और मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी निकालो कि आउटकम के अंदर 7 से ज़्यादा कोई नंबर है, तो क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 1 to 6 एलिमेंट्स ही होते हैं उसके अंदर, तो 7 से ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट द इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज सेड टू बी श्योर इवेंट, द सैम्पल स्पेस एस इज श्योर इवेंट। मान लीजिए अब देखिए मैंने कहा था कि सैम्पल स्पेस के अंदर 7 से ज़्यादा एलिमेंट व्हेन आई थ्रो अ डाइस, तो आया था 5, अब मैं कह रही हूँ 7 से कम वाले एलिमेंट्स आ जाए,
तो क्या आएंगे 1 to 6 सारे, यानी कि जब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी जब 1 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं द इवेंट, श्योर इवेंट। यानी कि देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने एक कॉइन थ्रो किया और मैं बोल रही हूँ हेड और टेल में से कुछ भी एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली 1, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल, ऐसा तो है नहीं ना हेड आए ना टेल आए, ठीक है, क्योंकि हम फेयर कॉइन और फेयर डाइस के बारे में बात कर रहे हैं, अनफेयर के बारे में नहीं बात कर रहे, ठीक है। अब हम ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, इसी में ही हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। देखिए सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन है एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट आ जाए, मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ अगर मैंने एक कॉइन एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑब्वियसली एक ही मेंबर आएगा 2, ठीक है, क्योंकि इवन प्राइम तो 2 ही है। तो जिन प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर सिंगल इवेंट आ जाए, ठीक है, यानी कि जब मैं ई निकालूँ उस एस के केस के अंदर तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट आ जाए, जैसे कि इस केस में आया 2, उसे हम बोलेंगे सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन आती है हमारे पास कंपाउंड इवेंट। तो देखिए कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट देन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। यानी कि कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स आ जाए, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। When an event is composed of number of simple events, for example, मैंने बोला कि number less than 4 when I throw a dice, तो E set के अंदर member कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 2, 3, एक से ज़्यादा sample point है, तो मैं क्या बोल दूँगी, this is compound event, ठीक है। या फिर एक और example अगर मैं आपके सामने लूँ, मैंने बोला कि जब मैं 2 डाइस को थ्रो कर रही हूँ तो सम ऑफ इवेंट्स मेरे पास आना चाहिए 4, तो उस केस में कौन कौन से आएंगे मेरे पास, 1, 3, 3, 1 और 2, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 1, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हो गए, एक से ज़्यादा है, तो कंपाउंड के केस में आ गए, ठीक है, सिंपल नहीं बने। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है फेवरेबल केस और इवेंट्स। ये सारे डेफिनेशन ही आप क्लास 12 तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद बीएससी सेकंड सेम के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रही हूँ फेवरेबल केसेस क्या था। देखिए अब डेफिनेशन फेवरेबल केसेस की, द केसेस विच एंश्योर द अकरेंस ऑफ अ डिजायर्ड इवेंट आर सेड टू बी फेवरेबल इवेंट्स। यानी कि ऐसे इवेंट, देखिए फेवरेबल केस क्या है, मान लीजिए मैंने एक डाइस थ्रो किया और मेरे पास डिज़ायर्ड इवेंट 5 आ गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए 2 आ गया, तो यानी कि डैट मीन्स फेवरेबल इवेंट हैज़ अकर्ड, ठीक है। इक्वली लाइकली, अब इक्वली लाइकली की डेफिनेशन क्या है वो देखिए, इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वी डोंट एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रेफरेंस टू द अदर। यानी कि उन केसेस के अंदर जिसमें हम किसी एक इवेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि किसी एक इवेंट को हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते। यानी कि अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छहों के ही आने की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/6। ऐसा नहीं है कि 6 की प्रोबेबिलिटी 2/6 है या 3/6 है, मतलब इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। किसी भी इवेंट को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया दूसरे से। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एग्जॉस्टिव केसेस। तो चलिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट दैट कैन अकर इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। मान लीजिए मैंने 2 डाइस को
दो कॉइन को थ्रो किया तो मेरे पास टोटल केसेस आएंगे 4HH HT TH और TT। अगर मैं इन चारों ही केसेस को मिलाकर बात करती हूँ तो ये मेरे पास एग्जॉस्टिव केस है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, यानी कि टोटल जितने इवेंट हमारे पास आ सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्हें हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, द इवेंट्स वेयर अक्रेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड और रूल आउट द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इवेंट्स इन द सेम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने एक कॉइन थ्रो किया तो मैं ये नहीं कह सकती कि किसी भी इवेंट के अंदर हेड और टेल दोनों ही एक साथ आएंगे। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है, यानी कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता और टेल आएगा तो हेड नहीं, यानी कि दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी यही था, द इवेंट वेयर अकरेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड और रूल्स आउट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट्स इन द सेम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए हम कुछ रिमार्क्स की ओर चलते हैं। रिमार्क्स के अंदर क्या है, सबसे पहले तो देखिए मान लीजिए एक सैम्पल स्पेस के अंदर n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इफ़ e1, e2 एंड en आर n इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस s के अंदर n इवेंट्स हैं जिनका नेम कुछ इस टाइप से e1, e2 अप टू en, एंड इफ़ e1 यूनियन e2 यूनियन अप टू en इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ei's। ठीक है, E1 यूनियन E2 यूनियन EN को हम इसी टाइप से तो लिखेंगे ना, यूनियन ऑफ 1, 2 and EI। तो उस केस के अंदर एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन कौन से होंगे, यानी कि इन सभी को अगर हम इकट्ठा कर दें E1 अप टू EN, E1 E2 अप टू EN, तो इन्हें हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, समझ आया आपको, एग्जॉस्टिव में क्या था, सभी इवेंट्स को हम इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने हेड टेल के केस में चार थे तो चार एग्जॉस्टिव इवेंट्स आए थे। ठीक है, एग्जॉस्टिव केसेस भी बोल सकते हैं हम उसे। अब देखिए नेक्स्ट रिमार्क के अंदर हमें क्या कहा हुआ है, इफ़ ई1 यूनियन ई2 यूनियन अप टू ई एन इज इक्वल टू एस, और कोई भी अगर मैं दो ei और ej उठा लूँ, यानी कि ई2 और ई7 मैंने मान लीजिए उठा लिया, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। और इसे आपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर डिटेल में भी पढ़ रखा है इस चीज़ को, कि किसी भी अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन हमारे पास फाई आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो अगर किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन मेरे पास फाई आ रहा है तो मैं उसे बोलूँगी पेयर वाइज डिसजॉइंट, देन द इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यही तो था कि एक आए तो दूसरा ना आए, यानी कि किन्हीं भी दो की इंटरसेक्शन, अगर मैं रेंडमली कोई भी दो इवेंट ले लूँ तो उनकी इंटरसेक्शन मेरे पास फाई आनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन थी कि जो टर्म्स हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसी भी एलिमेंट की, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, ऊपर तो मैं रखूंगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल केसेस। ठीक है, और ऐसे ही अगर मुझे पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सिर्फ मेरे को कुछ भी नहीं करना, मुझे पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है तो मुझे 1 में से पी ऑफ ई सब्ट्रैक्ट कर देना है पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है तो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एंड ई इज सबसेट ऑफ एस, तो मैं ई को क्या कहूँगी, इवेंट। ठीक है, और मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन ई, यानी कि ई के अंदर कितने इवेंट्स हैं अपॉन में टोटल आउटकम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं अपॉन में, सॉरी ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं अपॉन में एस के अंदर, एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। अब आपको पता ही है कि अगर मुझे पी ऑफ फाई निकालना हो, यानी कि नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर उस इवेंट के अंदर कुछ है ही नहीं तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, अपॉन में कुछ भी हो तो प्रोबेबिलिटी का आंसर तो क्या आएगा, ज़ीरो। और अगर मुझे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो,
तो ऊपर भी एन ऑफ एस नीचे भी एन ऑफ एस मतलब कैंसिल आउट होके वन। तो मैं यही कह रही हूँ कि पी ऑफ फाई यानी कि नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आती है ज़ीरो, श्योर इवेंट की वन, और बाकी की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ई की ज़ीरो से वन के अंदर लाई करती है। ठीक है, अगर मुझे पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए तो मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं करना, वन में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और एक बात देखिए, ये तो हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी के बेसिक से फॉर्मूले पर, अब मैं चलती हूँ कुछ रिजल्ट्स पर जो प्रोबेबिलिटी के हैं। देखिए क्या हैं वो रिजल्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि किसी भी इवेंट के जब प्रोबेबिलिटी आती है तो नॉन नेगेटिव। देखिए नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, श्योर की वन, तो नेगेटिव केस तो कहीं पे भी नहीं आया, या तो उसमें इवेंट नहीं होगा, होगा तो कुछ ना कुछ प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ज़ीरो से कम प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकती, नॉन नेगेटिव आएगी हमेशा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि फाई की हमारे पास ज़ीरो आती है और श्योर इवेंट की वन आती है। द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो और वन के बीच में लाई करती है। इफ़ द इवेंट ए इम्प्लाइज द इवेंट बी, अगर ए इवेंट इम्प्लाई कर रहा है इवेंट बी को, तो इसका मतलब क्या है, पी ऑफ ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू पी ऑफ बी। अब देखिए ये कुछ बेसिक सी बातें थी, यानी कि इंट्रोडक्शन थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हमें इंट्रोडक्शन ही करनी है, यानी कि कुछ लॉस के बारे में पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडिशन लॉ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है और रैंडम वेरिएबल क्या है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक यहीं तक, आपको कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।